asexual reproduction. In this reproduction, only the one parent is involved. Hence, this type of reproduction is called as uniparental. एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इस वर्ड से हमको इसका मीनिंग समझ में आता है. अ मीन सबसेट, एससीएक्स मतलब सेपरेट. इस वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेट, का मीनिंग होता है टू, दैट इज मेल एंड फीमेल. तो दो पैरेंट नहीं है, ओनली वन पैरेंट, तो इसलिए इसको यूनिपैरेंट बोलते हैं. तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें होगा? एक ही पैरेंट में, या तो प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके अंदर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके बाद देखिए, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होगा, पेरेंट से जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, वो कैसे रहते हैं? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम, सेम टू सेम, लाइक जेरॉक्स कॉपी वैसे होंगे. तो इनको क्या बोलते हैं? क्लोन. इट इज कॉल्ड एज क्लोन. और क्लोन के इंडिविजुअल्स को बोलते हैं रैबिट्स. ये वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है दिखने में, और जीनोटाइपिक ये मतलब जेनेटिकली, जीनोम दिखने में अंदर से और बाहर से दोनों सेम है, तो वैसे रहेगा. उसके बाद ये वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है, कि जिससे फास्टेस्ट मेथड मतलब हम इसको बोलेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सिंपल. उसके बाद इसके अंदर टाइम कम लगता है, तो ये मेथड को क्विक बोलेंगे, या तो दिस इज रैपिड मेथड ऑफ प्रोपगेशन. तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक. और इसके अंदर जो इंडिविजुअल आते हैं वो रहते हैं क्लोन, और क्लोन जो होते हैं वो होते हैं प्योर, या प्योर लाइन वराइटीज प्रोड्यूस करने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व. फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने लास्ट टाइम आपको टाइप्स बोले वाले, वही टाइप वन बाय वन हमको डिस्कस करने के, जिसमें स्पोरुलेशन देखेंगे, बाइनरी फिशन देखेंगे, प्लाज्मोटॉमी देखेंगे, फ्रैगमेंटेशन है, उसके बाद रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है. वेजिटेटिव प्रोपागेशन में और दो टाइप है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो वन बाय वन पार्ट हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट जो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रहेगा फिशर. फर्स्ट टाइप जो देखा है, फर्स्ट टाइप विल बी अ फिशर. तो देखिए, फर्स्ट टाइप इज फिशर. अब नाम से समझ में आ रहा है, फिशन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, क्लीवेज. जो एक पैरेंट सेल है, उससे जब दो इक्वल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, उसको भी फिशन बोलते हैं. और एक सेल से मल्टीपल सेल्स तैयार हो रहे हैं बाय क्लीवेज, तो वो रहेगा फिशन. तो अब ये जो बेस्ड ऑन एक पैरेंट सेल से ऑनली टू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे, उसको कहा जाएगा बाइनरी फिशन. मतलब इसके अंदर दो टाइप है, मेनली वन इज बाइनरी फिशन और दूसरा रहेगा इसके अंदर मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. अब जो बाइनरी फिशन होता है, उसके अंदर क्या होगा? एक पैरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर उससे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम रहेंगे. तो ये हो गया पैरेंट सेल. ये पैरेंट सेल मतलब बैक्टीरिया सेल. जनरली ये जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, बाइनरी फिशन देख रहे हैं इसके अंदर, तो बाइनरी फिशन मोस्ट कॉमन होता है मोनेरा में और प्रोटिस्टा में. मोनेरा के अंदर क्या आएगा था हमको पता है, बैक्टीरियम, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये जो है. और प्रोटिस्टा के अंदर मेनली जो देखते हैं अमीबा, तो उसके अंदर ये फिशन होगा. तो ये है बैक्टीरियल सेल. इसके अंदर प्रोसेस कैसी होगी वो देखना था. ये है बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में हमको पता है, देखो सबसे बाहर का पार्ट रहेगा ग्लाइकोकैरिक्स, सेल वॉल, और उसके बाद अंदर का पार्ट क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से. और यहां पर रहेगा फॉल्स न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जीनोफोर और न्यूक्लियर और फॉल्स न्यूक्लियस और सोडो न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और बैक्टीरियल क्रोमोसोम. तो ये हो गया, ये हो गया इसकी सेल वॉल. अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया तुमको पता है कि इसके यहां पर मिडल पार्ट पर क्या होता है? मेसोसोम. मेसो का मीनिंग होता है मिडल और सोमा का मीनिंग होता है बॉडी. तो जो मेसोसोम है, दीज आर द फोल्ड और इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
एग्जैक्ट फंक्शन साइंटिस्ट को पता नहीं, बट साइंटिस्ट बिलीव दैट इट विल हेल्प इन रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन बिकॉज इट लुक लाइक माइटोकॉन्ड्रिया उसके जैसा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। तो ये जो मिडिल पार्ट है ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर ऐसे दो इक्वल पार्ट गिराना, मतलब दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करना, उसमें ही हेल्प करेगा। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है ये पहले क्या हो जाना होना स्टार्ट होगा, कंस्ट्रिक्शन, इट विल स्टार्ट टू कंस्ट्रिक्ट, ये इस तरह का कंस्ट्रिक्शन होगा इसके अंदर, दिस इज कंस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो मिडिल पार्ट था ये क्या हो गया कॉन्टैक्ट। अब इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियोइड ये देखिए ये ऐसा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, इस पार्ट को बोलेंगे हम कंस्ट्रिक्शन, ठीक है कंस्ट्रिक्शन। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये पार्ट पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक डॉटर सेल इधर एक डॉटर सेल इधर, तो दोनों डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बायरल फिशन, सिंपल बायरल फिशन। तो बायरल फिशन में भी डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट टाइप के बायरल फिशन लगे, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं सिंपल बायरल फिशन जो मोस्टली होता है अमीबा में, उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल बायरल फिशन, ये जो बायरल फिशन दिखा हम ये जनरली रहता है हॉरिजॉन्टल। बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें तो जो बायरल फिशन होगा वो रहता है स्टोबिलाइजेशन बोलते हैं उसको, या तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फिशन, ठीक है। बैक्टीरिया में पैरामीशियम डायटम और प्लानेरिया फॉर एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर बोल देता हूँ। देखिए ये जो बायरल फिशन है इसके अंदर आएंगे डिफरेंट टाइप्स, विच आर दिस डिफरेंट टाइप्स, इसमें एक आएगा सिंपल बायरल फिशन, उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल बायरल फिशन, उसके बाद स्टोबिलाइजेशन और ट्रांसवर्स बायरल फिशन, और उसके बाद फोर्थ जो रहेगा उसको बोलेंगे ऑब्लिक ट्रांसवर्स फिशन। तो सिंपल बायरल फिशन ये मोस्टली होता है अमीबा में, लॉन्जिट्यूडनल बायरल फिशन ये सिंपल के अंदर देखो अमीबा मोस्टली बोलते हैं उसके अंदर होगा, और लॉन्जिट्यूडनल बायरल फिशन जो होता है वो होता है यूग्लिना, यूग्लिना पता है देखते हमको, तो ऐसे वर्टिकल फिशन होगा या इसको लॉन्जिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, और दो इक्वल डॉटर सेल्स फॉर्म, ठीक है। ट्रांसवर्स, ये जो ट्रांसवर्स टाइप का बायरल फिशन है ये मोस्टली होता है बैक्टीरिया में, उसके बाद पैरामीशियम में, डायटम्स में और प्लानेरिया में, और उसके बाद ये जो ऑब्लिक टाइप का बायरल फिशन देखते हैं ये मोस्टली होता है सीराटियम में और वानोलिक्स, ये दो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद देखिए मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन किस में होता है, अब मल्टीपल फिशन मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर जो पैरेंट सेल है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये किसके अंदर होता है अमीबा में। तो अमीबा का स्ट्रक्चर देखकर हमको पता है ये ऐसा इरेगुलर शेप रहेगा, ये अमीबा का हो गया इरेगुलर शेप, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अमीबा के अंदर जो फॉल्स लेग होते हैं उसको बोलते हैं सुडोपोडिया, सुडो का मीनिंग होता है फॉल्स, पोडियम का मीनिंग होता है लॉन्ग लेग। तो ये जो अमीबा है इसके अंदर क्या रहेंगे सुडोपोडिया। तो क्या होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस अच्छे नहीं होते तब ये क्या करता है अपने जो सुडोपोडिया वो विड्रॉ करता है, मतलब अंदर के साइड को ऐसे खींच लेता है, और उससे थ्री लेयर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, थ्री लेयर स्ट्रक्चर, थिक वॉल का स्ट्रक्चर तैयार होता है या हार्ड कवरिंग रहती है, उसको बोलते हैं सिस्ट। और जब सिस्ट फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सिस्टमेंट, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ माइन्यूट अमीबा रहेंगे और फिर बाद में उससे वो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो सुडोपोडिया ये क्या हो जाना स्टार्ट हो जाता है, इट विल स्टार्ट टू विड्रॉ इनसाइड, इनसाइड कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये विड्रॉ होकर क्या होगा, थ्री लेयर थिक वॉल या इसको बोलेंगे हम हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको क्या बोलेंगे सिस्ट। और जब ये सिस्ट फॉर्म होता है
तो उस फेनोमेनन को कहा जाएगा एंसिसमेंट। तो ये फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं एंसिसमेंट। और इसके अंदर क्या रहेगा, नंबर ऑफ माइनर अमीबा रहेगा। अब ये जो फॉर्म हो गया इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो फॉर्म हुआ इसके अंदर माइनूट अमीबा के छोटे छोटे सेल वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये माइनूट यहां पर माइनूट अमीबा ये यहां पर प्रोड्यूस किस तरीके से, ये बोला देखो ये विड्रॉ, ये सुडोपोडिया विड्रॉ हुआ, इससे ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उससे तैयार होगा सिस्ट, और सिस्ट फॉर्म होने के प्रोसेस को बोलेंगे, फेनोमेनन को बोलेंगे इंसिसमेंट, जिसके अंदर माइनूट अमीबा रहेंगे। तो मतलब ये विड्रॉ होने के बाद ऐसे थ्री लेयर की स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ठीक है, इसके अंदर ऐसे माइनूट अमीबा तैयार हुए, यानी कि डॉटर सेल बहुत सारे, इसलिए इसको बोले मल्टीपल फिशन। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो पार्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसके अंदर से क्या होगा, ये जो पूरे डॉटर सेल से रिलीज हो जाएंगे। तो ये होता है मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनूट अमीबा तैयार हुआ उसके बाद क्या होगा, इन फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, फेवरेबल कंडीशन के अंदर वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वाटर इट विल बस्ट एंड रिलीज दिस डॉटर सेल। और यहाँ पर ये जो फॉर्म हुए थे माइन्यूट अमीबा, जो छोटे छोटे अमीबा यहाँ पर फॉर्म हुए थे उनको बोल सकते हैं स्यूडोस्पोर, ये बोल सकते हैं ये जो माइन्यूट अमीबा यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। तो ये प्रोसेस होगी पूरी मल्टीपल फिशन। क्या क्या बोला याद रहेगा, जो अमीबा है अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा, उसके जो फॉल्स रहेगा जिसको बोलेंगे हम सुडोपोडिया, वो विड्रॉ होंगे, टू टू थ्री लेयर की थिक सेल तैयार होगी जिसको बोलेंगे सिस्ट, जब अंदर विड्रॉ होता कब हो रहा है, ये हो रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दिस इज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और बाकी का जो पार्ट है मतलब उधर फेवरेबल कंडीशन में वो रिलीज हो जाएंगे। तो आगे क्या हुआ वो बोला प्रोसेस, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट रहेगा प्लाज्मोफोरी, नेक्स्ट पार्ट इज प्लाज्मोफोरी। अब प्लाज्मोफोरी में क्या होता है, देखिए यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो बाद में होता है, इसके अंदर जो मल्टी न्यूक्लियर पैरेंट सेल है वही मल्टी न्यूक्लियर डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन बाद में होता है। क्या बोला मैं यहां पर कि इन केस ऑफ प्लाज्मोफोरी मल्टी न्यूक्लियर पैरेंट प्रोड्यूसेस मल्टी न्यूक्लियर डॉटर सेल और इंडिविजुअल्स डॉटर सेल विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन होगा पर बाद में होगा। तो ऐसा किसके अंदर होगा, ऐसा जो प्लाज्मोफोरी वो होता है जाइंट अमीबा, जो जाइंट अमीबा होता है उसके अंदर इस टाइप का डिवीजन होता है। तो ये एग्जांपल है इसका, मतलब जाइंट अमीबा। इसके अंदर होगा और दूसरा और एक ओपेलिया, तो इन दोनों के अंदर हो जाएगा इस टाइप का डिवीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप रहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो रहेगा बडिंग। बड का मीनिंग समझ में आता है, जो यंग पार्ट है उसको हम बड बोल सकते हैं। तो बड जो है उसके अंदर देखना है कि बडिंग कैसे होता है, थर्ड पार्ट इज बडिंग। अब बड़ी देखें, इसके अंदर
बड़ी हम दो टाइप का देखेंगे, एक जो पहले बड़ी जो होगा ईस्ट के अंदर, उसके बाद देखेंगे बड़ी इन एनिमल। तो बड़ी इन ईस्ट इज वेरी सिंपल, बड़ी इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर बड़ी होते वक्त क्या होता है कि ये जो ईस्ट है ये इसका बॉडी है, यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल। तो अब क्या होगा जब ये बर्ड जो होता है, ये जो ईस्ट की जो सेल है इससे यहाँ पर एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है जिसको बोलेंगे बर्ड। क्या बोल रहा हूँ, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। अब जब इसको वाटर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके बॉडी के आउटर सरफेस पे आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है, आउटग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड। और जब ये बर्ड इसके बॉडी से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद जहां पे गिरेगा वहां पर ये सेपरेट इंडिविजुअल के जैसा काम करेगा, मतलब सेपरेट इंडिविजुअल। तो इसको बोलते हैं बडिंग। तो इस तरह का बडिंग होता है ईस्ट के अंदर। उसके बाद बडिंग इन एनिमल्स, बडिंग इन एनिमल्स। देखिए बडिंग इन एनिमल इसके अंदर दो टाइप, एक रहेगा एक्सोजिनस बडिंग और एक रहेगा एंडोजिनस बडिंग। तो जो एक्सोजिनस बडिंग है वो मोस्ट कॉमनली रहता है हाइड्रा में, और उसके बाद आएगा साइकॉन। इन दोनों के अंदर मोस्टली होता है एक्सोजिनस बडिंग। तो हाइड्रा में अगर देखें तो हमको उसका समझ में आएगा उसकी ये बॉडी इस तरह की होती है, ये इस तरह की, यहाँ पर आएगा इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर से ऐसे पार, और यहाँ पर रहता है इसका बड़। तो ये जो बड़ है इस हाइड्रा का, जब इस पैरेंट बॉडी से डिटैच होगा और वो जहां पर जाएगा वहां से क्या होगा, मतलब उसी से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो जो बड़ तैयार हुआ था वो बॉडी के आउटर साइड पर प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए उसको बोलेंगे एक्सो, मीन्स टूवर्ड आउटर साइड, एंड जीनस का मीनिंग होता है बर्ड। तो वो रहेगा एक्सो जीनस, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। दूसरा टाइप होता है बडिंग इन एनिमल्स के अंदर, एंडोजिनस टाइप ऑफ बडिंग, एंडोजिनस बडिंग। अब ये ध्यान रखना, एंडोजिनस बडिंग, एंडोजिनस बडिंग, एंडो का मीनिंग समझ में आ जाएगा इंसेक्ट, जिनस का मीनिंग होता है फॉर्म। तो ये मोस्टली किसके अंदर हो रहा है, स्पॉन्जिला के अंदर और ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो अब इसके अंदर होगा क्या वो याद रखिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आएंगे ये ऐसे स्पीक्यूल्स। जैसा ये ओपेक कवरिंग होती है, और इसके अंदर आएंगे नंबर ऑफ एराकमोसाइट्स, इनको बोलते हैं आर्क्योसाइट बोल सकते हैं इसको, एराकमो बोले तो याद आ जाएगा इसके अंदर, तो आर्क्योसाइट बोलते हैं इसको। क्योंकि ये जो सेल होता है, ये सेल होता है टोटियोपोटेंट। टोटियोपोटेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, टोटियो का मीनिंग होता है टोटल और पोटेंट का मीनिंग होता है पोटेंशियल और पावर, एन एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज टोटियोपोटेंसी। तो अब देखिए ये ऐसा होता है एंडोजिनस बडिंग, जिसके अंदर क्या होगा, जेमिल फॉर्मेशन होगा, जेमिल फॉर्मेशन। और जेमिल क्या की स्ट्रक्चर आपके आगे दिख रहा है, जिसके अंदर ये ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और पाइल का मीनिंग होता है गेट। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है जो ये आउटर कवरिंग है, या इसको आउटर मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, ये जो अंदर की कवरिंग है इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है ये रहता है स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने सेल्स दिखा, ये सेल होते हैं आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट, और ये सेल होते हैं टोटियोपोटेंट। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब डेवलप होकर क्या होते हैं, ये आर्कियोसाइट्स इस माइक्रोपाइल से निकलकर बाहर इंडिविजुअल या डॉटर सेल का फॉर्म अक्वायर करते हैं पेरेंट्स। तो ये हो गया
असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बडिंग है और ये एंडोजिनस बडिंग है, जो मोस्टली किसके अंदर दिख रहा है, एक तो हमको स्पॉन्चेला के अंदर और जो ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर भी जेमिन फॉर्मेशन होता है, तो ये याद रखेगा। और ये जो दिख रहे हैं आर्कियोसाइट्स, ये जब यंग कंडीशन होते चिपके हुए रहते हैं, जैसे अपना वो बूंदी का लड्डू होता है तो वो जब फ्रेश बने वाला फूल फ्लेशी होता है, चिपका हुआ रहता है एक एक जो बूंदी का पार्टिकल है, और ड्राई होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो वैसे मतलब वाटर कम पड़ गया कि बाहर निकलेंगे और फिर बाद में बढ़ करेंगे, वैसे तो वाटर रहता है वहाँ पर, वाटर ज़्यादा रहेगा पर थोड़ा कम हो के बाहर निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंडोजिनस बढ़ गया पर वाटर तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा स्पोरुलेशन, नेक्स्ट पार्ट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन नाम से समझ में आ रहा है स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर फॉर्म होंगे तब उसको बोलेंगे स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। अब ये जो स्पोर फॉर्म होता है तो ये स्पोर भी दो टाइप करेंगे, वन इज मोटाइल स्पोर, अनदर इज नॉन मोटाइल स्पोर। जो मोटाइल स्पोर होता है उसको बोला जाएगा ज़ूस्पोर। मोटाइल का मीनिंग होता है मोबाइल, मतलब वॉक करने वाला जिसको फ्लैजेलाइज सीरिया रहेंगे, और एक होता है नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं करता, उसको कुछ एजेंसी लगेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के स्पोर। तो ये जो स्पोरुलेशन है इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और ये जो स्पोर है ये दो टाइप के, वन इज ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर कोनिडियोस्पोर और कोनिडिया फॉर्मेशन रहेगा, कोनिडिया फॉर्मेशन जो कि नॉन मोटाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ज़ूस्पोर देख रहे हैं, ज़ूस्पोर का एग्जाम्पल क्या है, ये होगा क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास इसके अंदर होगा ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो क्लैमिडोमोनास देखते हैं लॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर देखो उसके अंदर क्या रहते हैं, ऐसे मल्टीपल स्पोर्स रहे, यस ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर रहते हैं ऐसे बायफ्लैजेला, टू फ्लैजेला रहते हैं इसलिए इसको बोलते हैं बायफ्लैजेलेट। तो एट मैच्योरिटी क्या होगा कि ये जो स्पोर्स है वो निकलेंगे बाहर और विद द हेल्प ऑफ वाटर वो स्विंग होकर जाएंगे और उनका इंडिविजुअल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ज़ूस्पोर दिखते हैं ये कैसे रहता है, ये रहते बहुत बहुत छोटे, इसलिए इनको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, प्रोड्यूस होंगे फेवरेबल कंडीशन में, एंडोजिनस रहता है। मोस्ट कॉमन असेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो अल्गी के अंदर होता है, अल्गी के अंदर मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन जो है बाय असेक्सुअल मेथड वो होगा स्पोरुलेशन से। क्या बोला मैंने आपको कि इन अल्गी देयर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज स्पोरुलेशन। यहाँ पर ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं आपको क्लैमिडोस्पोर, ये देखते हो इनका शेप कैसा दिखता है आपको, दिस विल बी अ पिरामिडल इन शेप, इनका शेप रहेगा पिरामिडल। फ्लैजेला दो दिखा है, मतलब कैसा रहेगा बायो फ्लैजेलेट, टू फ्लैजेला जिससे उनकी मूवमेंट होना हमको ईजी जाएगा, और ये फॉर्म जिस स्ट्रक्चर में होता है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ज़ूस्पोरांजिया। ज़ूस्पोरांजिया का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी बैग जिसके अंदर ये सब प्रोड्यूस हुए, ये है ज़ूस्पोरांजिया। एंजियम का मीनिंग होता है बैग, ज़ू का मीनिंग होता है एनिमल, और स्पोर का मीनिंग होगा एसपीयू, इसका मीनिंग होगा स्पोर। तो मतलब इनको फ्लैजेला होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकता है, और ये इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो रहा है डॉटर सेल में, तो ऐसा रहेगा। तो ये जो ज़ूस्पोरांजिया है इसके अंदर भी प्रोटोप्लास्ट रहता है, उस प्रोटोप्लास्ट का होता है माइटोटिक डिवीजन, और जब उसका माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उससे 4 to 8 जो सेल्स रहेंगे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो पैरेंटल ये जो वॉल दिख रही है इसको ब्रेक करेंगे और फिर निकल जाएंगे। मतलब क्या हुआ देखो, समझ में आ गया, ये जो ज़ूस्पोरांजिया है इसके अंदर रहेगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होता है माइटोटिकली, जब ये माइटोटिकली डिवाइड होगा तो इससे क्या होंगे 4 to 8 डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, और ये डॉटर सेल्स क्या होंगे जब वाटर का फ्लो रहेगा, वाटर रहेगा तब ये इस ज़ूस्पोरांजिया जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा इसके वॉल्स, ब्रेकडाउन
the walls of किसके वॉल, जूस्पोरांजिया के वॉल, इसके वॉल ब्रेक डाउन होते हैं और ये जो स्पोर्स है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और जो रिलीज होकर स्पोर जो निकले वो इंडिविजुअल पैरेंट के जैसे बिहेव करते हैं। क्या बोला मैंने कि इन क्लैम्ब्रोमोनास मोटाइल स्पोर तैयार होंगे, जो जहाँ पर स्पोर तैयार हो रहे उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जूस्पोरांजिया, मतलब बैग। उसके अंदर आएगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का माइटोटिक डिवीजन होकर क्या होगा, 4 to 8 डॉटर सेल्स, और फिर जब वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्रस्ट हो जाएंगे, ब्रस्ट होने के बाद क्या होगा वो निकल जाएंगे। और निकलने के बाद यहाँ पर देखो ये प्रोटोप्लास्ट था, प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन हो कि ये डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हुए, वाटर का प्रेशर है, पर जब ये वॉल्स ब्रेक होने वाले हैं तब एक्चुअली वाटर कम होता है। जैसे हम वो शेंगा देखते हैं मटर, मटर के अंदर क्या होता है जब वाटर कम हो गया तो वो पॉड ओपन होगा और जो उसके अंदर का मटर है वो बाहर रिलीज होगा, तो मतलब डेहिसेंस होने के लिए वाटर कम हो जाना जरूरी है, तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया मोटाइल, नॉन मोटाइल के अंदर क्या होगा, कोरिडिया। कोरिडिया फॉर्मेशन मोस्टली किस में होता है, इसका एग्जांपल देखे पेनिसिलिन, उसमें पेनिसिलिन के अंदर क्या रहेगा, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कोरिडियोफोर, ये रहेगा कोरिडियोफोर। इस कोरिडियोफोर के जो ब्रांचेस रहते हैं ये ऐसे ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है इसको बोला जाएगा रानी, द ब्रांचेस ऑफ कोरिडियोफोर आर कॉल्ड एज रानी, क्योंकि जो कोरिडिया प्रोड्यूस होंगे वो रहेंगे थिन वॉल, तो जो कोरिडियोफोर रहेगा वहां पर से, ये जो जनरली कोरिडियोफोर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ब्रांच टाइप, तो होता है अनब्रांच, पर इस कोरिडियोफोर से क्या प्रोड्यूस होगा, ये ब्रांच जिसको बोलेंगे रामी, रामी से प्रोड्यूस होगा मेटलिन और मेटलिन से प्रोड्यूस होगा स्टेरमाटा, ये रामी, उसके बाद है मेटुलिन और मेटुलिन से प्रोड्यूस होगा स्टेरमाटा, ये रहेगा स्टेरमाटा, और स्टेरमाटा से क्या प्रोड्यूस होगा ऐसे कोनिडिया, ये याद रखें, सीक्वेंस आपको याद रखना, क्या क्या बोला मैं, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले रहेगा कोरिडियोफोर जो कि मेबी ब्रांच है या अनब्रांच रह सकता है, तो यहाँ पर जो कोरिडियोफोर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा रानी, रानी से जो ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे मेटुली, मेटुली से जो ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे स्टेरिग्माटा, उससे जो आगे का पार्ट प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे कोरिडिया, और ये जो कोरिडिया होते हैं वो होते हैं थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल, और जो कोरिडियोफोर से ये आगे के पार्ट प्रोड्यूस हुए वो भी याद रखने का, जो कोनिडिया होता है वो जनरली होते हैं पिगमेंटेड और वो मे बी यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो अरेंजमेंट रहता है बेसिपिटल, तो ये याद रखेगा पूरा, क्या क्या बोले एक बार याद रहता है कि जो कोनिडिया किसके अंदर है, मोस्टली पेनिसिलिन में कोनिडियोफोर, उसके ब्रांचेस को बोलेंगे रानी, रानी से मेटुली, मेटुली से स्टेरमाटा, स्टेरिग्माटा के एपेक्स पे कोनिडिया, कोनिडिया कैसे रहेंगे थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल और वो स्प्रेड हो जाएंगे, नॉन मोटाइल मतलब एयर से स्प्रेड हो सकते हैं, तो वैसे तो मतलब ये जो मेटुली रहती है इससे 2 to 6 स्टेरिग्माटा तैयार होंगे, 2 to 6, ये याद रखने का, ठीक है इतना। उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पर उसके पहले आपको फ्रैगमेंटेशन कहाँ पर होता है वो याद रखिए, फ्रैगमेंटेशन होगा स्पायरोगैरा में, ये दिख रहे फ्रैगमेंट, जब फ्रैगमेंट डिटैच हो जाता है पैरेंट बॉडी से और फॉर्म होता है तो वही इंडिविजुअल या डॉटर सेल के अंदर डेवलप होगा, वो होता है फ्रैगमेंटेशन, जो किसके अंदर होगा स्पायरोगैरा में, रीजनरेशन होता है प्लैनेरिया में, तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रखिए, ठीक है इस क्लास में इतना।